हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वाइज इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक है आपका मनुष्य में श्वसन। श्वसन या फिर सांस लेना, इसका अर्थ क्या है? ऑक्सीजन वाली वायु को अंदर लेना और CO2 से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। अब इसमें दो क्रियाएं होती हैं। पहला है अंतःश्वसन। अंतःश्वसन का मतलब हुआ जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो उसे अंतःश्वसन कहते हैं, और उच्छ्वसन किसे कहते हैं? जब हम CO2 गैस को बाहर निकालते हैं। तो इन दोनों वर्ड्स को आप ध्यान रखेंगे। अंतःश्वसन का मतलब है ऑक्सीजन गैस को अंदर लेना, और उच्छ्वसन का मतलब है CO2 को बाहर निकालना। आगे देखते हैं श्वसन दर क्या है। एक व्यक्ति एक मिनट में जितनी बार सांस लेता है उसे हम श्वसन दर कहते हैं। तो कोई भी वयस्क व्यक्ति जो है विश्राम की अवस्था में एक मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि श्वसन दर जो है वो कितनी होती है, एक मिनट में 15 से 18 बार कोई भी स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है। अब हम देखते हैं आगे। अगला है हमारा, अब है कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं? जब वायु हमारी कोशिकाओं में जाती है, आपको पता है कि हर एक कोशिका के अंदर श्वसन होता है। जब वायु हमारी कोशिकाओं में जाती है तो उसमें उपस्थित ऑक्सीजन जो भोजन के साथ अभिक्रिया करती है। अब भोजन कोशिकाओं में कैसे पहुंचा? आप कल पढ़ चुके हैं कि छोटी आंत में क्या होता है, कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं जो भोजन का अवशोषण करती हैं, और रक्त भोजन को हर एक कोशिका तक पहुंचाता है। तो जैसे ही हम सांस लेते हैं तो जो ऑक्सीजन है हमारी कोशिकाओं में पहुँचती है, और कोशिकाओं में जो भोजन होता है उससे अभिक्रिया करके उसे ऊर्जा में बदल देती है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन कोशिका में पहुँचती है, भोजन के साथ अभिक्रिया करके भोजन को ऊर्जा में बदल देती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अब यह दो प्रकार का होता है, एक है वायवीय श्वसन और दूसरा है अवायवीय श्वसन। अब इसका मतलब समझ लीजिए, वायवीय और अवायवीय श्वसन का मतलब क्या है? देखिए, सीधी सी बात यह है, जब श्वसन जीव ऐसे करे इसमें ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज मतलब भोजन, ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के द्वारा होता है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है तब उसे हम कहते हैं वायवीय श्वसन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और ऊर्जा का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ऊर्जा। और अवायवीय श्वसन क्या होता है? जब बिना ऑक्सीजन की सहायता से श्वसन होता है, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के बिना जब टूटता है तो क्या होता है, तब एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है। ध्यान रखेंगे, अधिक ऊर्जा किस श्वसन में होती है? वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मिलती है, और अवायवीय श्वसन में ऊर्जा कम मिलती है। अब आगे देखेंगे अवायवीय जीव कौन से होते हैं। ठीक है, जो जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब ऐसे जीव जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो अवायवीय जीव कहलाते हैं, जैसे कि ईस्ट हो गया। अब इसके अवायवीय श्वसन से जो एल्कोहल बनता है, अब ध्यान रखेंगे ईस्ट का प्रयोग कहाँ होता है, इसके जो अवायवीय श्वसन से जो एल्कोहल बनता है उसका प्रयोग शराब बनाने या बेकरी पदार्थों में किया जाता है। शराब बनाने में किया जाता है, और बेकरी पदार्थ जैसे कि ब्रेड बनाना है तो आटे में डाल दिया जाता है, जिससे कि वह फूल जाता है, फ्लफी हो जाता है। ध्यान रखेंगे क्यों, क्योंकि ये अवायवीय श्वसन करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। आपने देखा होगा कभी कभी हमारी मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, इसमें ऐसा क्या हो जाता है? देखिए, जब हम बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो हमारी पेशियां अवायवीय श्वसन करती हैं, हमारी पेशियों में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, तब ग्लूकोज का आंशिक विखंडन से, तो ग्लूकोज पूरी तरीके से नहीं टूटता है, आंशिक रूप से टूटता है, और किसमें टूटता है? लैक्टिक अम्ल और CO2 बनता है। तो लैक्टिक अम्ल जैसे ही हमारी पेशियों में इकट्ठा होता है वैसे ही हमारी पेशियों में ऐंठन प्रारंभ हो जाती है। इसलिए जब भी हम कभी अत्यधिक व्यायाम करते हैं तो पेशियों के अवायवीय श्वसन के कारण शरीर में ऐंठन होती है। आप दोबारा से सुनेंगे सीधी सी बात, में क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि जब भी आप ज़्यादा व्यायाम करते हैं तो ज़्यादा व्यायाम करने से आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है, जिससे कि वो लैक्टिक अम्ल और CO2 में टूट जाता है। तो लैक्टिक अम्ल के जमने से ही मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि मांसपेशियों में ऐंठन किसकी वजह से होती है? ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल बनने के कारण। ठीक है, लैक्टिक अम्ल का संचय ही पेशियों में ऐंठन करता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। श्वसन क्रिया कैसे होती है? जब वायु को अंतःश्वसन के द्वारा अंदर लेते हैं, मतलब जब हम वायु को अंदर लेते हैं और वायु नासा द्वार से नासा गुहा में चली जाती है,
मतलब नाखूनों से होती हुई आपके नाक में अंदर तक जाती है, उसके बाद वायु सांस नली से होती हुई फेफड़ों में जाती है, तो ये श्वसन की क्रिया होती है। अब फेफड़े बच्छ गुहा के पार्श्व में पसलियों से घिरे होते हैं, ठीक है, फेफड़े पसलियों के अंदर होते हैं, बच्छ गुहा को डायफ्राम नामक पेशी की एक परत आधार प्रदान करती है। अब जो फेफड़े होते हैं आपके, उसके नीचे एक मांसपेशीय एक पेशी होती है, इसको डायफ्राम कहा जाता है। डायफ्राम मतलब आपका जो डायफ्राम है वो आपके जो फेफड़े होते हैं, जैसे मैं बना रहा हूँ फिगर आप देखेंगे स्क्रीन पे, जैसे आपके ये फेफड़े हैं दो, ये आपके फेफड़े हो गए, ठीक है, ये फेफड़े हैं, और फेफड़े के नीचे इस प्रकार से ऐसी एक मांसपेशी होती है, ये डायफ्राम कहलाती है, और इसके नीचे आपका पाचन तंत्र होता है, और ये फेफड़े हैं आपके, ये श्वसन तंत्र होता है यहाँ पे आपका, और नीचे होता है डायफ्राम, डायफ्राम इसको आधार देता है, ठीक है, डायफ्राम इसको आधार प्रदान करता है फेफड़ों को, फेफड़ों को आधार प्रदान करता है डायफ्राम, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे डायफ्राम क्या होता है, इसका भी हम फंक्शन देखेंगे, डायफ्राम का फंक्शन क्या होता है। अब देखते हैं आगे अंतःश्वसन में क्या होता है। अंतःश्वसन में पसलियाँ ऊपर, जब हम सांस लेते हैं तो आप फील कर सकते हैं, आप सांस लेते हैं तो क्या होता है, पसलियाँ ऊपर ऊपर की तरफ आती हैं, फेफड़े फूलते हैं तो पसलियाँ ऊपर की तरफ आती हैं, और जो डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ चला जाता है, नीचे की तरफ चला जाने से क्या होता है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उसमें गैसेस ज़्यादा गैस आ जाती है, ठीक है। अंतःश्वसन में क्या होता है, बहुत ध्यान से इस पॉइंट को याद रखो, अंतःश्वसन में पसलियाँ ऊपर और बाहर की ओर तथा डायफ्राम नीचे की ओर गति करता है। डायफ्राम नीचे की ओर गति करने का कारण क्या है, डायफ्राम नीचे की ओर गति करने से फेफड़ों में ज़्यादा गैस भर सकती जगह ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है, अंतःश्वसन में। अब आगे देखते हैं, अब देखो लिखा हुआ भी है इसमें, अंतःश्वसन में क्या होता है, जिसके कारण वच गुहा का आयतन एवं दाब बढ़ जाता है तथा वायु फेफड़े में आ जाती है, मतलब डायफ्राम के नीचे होने से जो वच गुहा है आपकी चेस्ट कैविटी है उसका आयतन वॉल्यूम और प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे वायु फेफड़ों में आ जाती है। इसमें अब जैसे हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं वैसे ही सारी गैसेस हमारे शरीर में जाती हैं, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% अंदर चली जाती है, ठीक है। अब उच्छ्वसन क्या होता है, सांस को बाहर छोड़ना। अब इसके समय क्या होता है, उच्छ्वसन के समय पसलियाँ नीचे की ओर जाती हैं, फेफड़े पिचकते हैं और डायफ्राम ऊपर की ओर आता है तथा वक्ष गुहा का आयतन एवं दाब कम होने के कारण वायु बाहर चली जाती है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, उच्छ्वसन में क्या होता है, पसलियाँ नीचे की ओर या अंदर की ओर कह सकते हो जाती हैं और डायफ्राम ऊपर की ओर आता है, ऊपर की ओर आने से आयतन और दाब कम हो जाता है जिससे कि वायु बाहर चली जाती है। अब इसमें जितना नाइट्रोजन हमने 78% लिया था पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है, ऑक्सीजन 17% बाहर निकल जाती है, हमने ली थी 21%, 4% बचती है 17%, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस 4% बाहर निकलती है, ठीक है। अब क्या होता है, ध्यान रखें कितना निकलता है, छींक क्यों आती है, कभी कभी ये लिखा है छींक क्यों आ जाती है। मैं देखिए, सांस लेते समय वायु के साथ धूल या फिर छोटे मोटे कण पदार्थ नाक में चले जाते हैं, जो नासा गुहा के रोए में फंस जाते हैं। आपने देखा होगा नाक के अंदर पतले पतले बाल होते हैं, उनमें फंस जाते हैं। जब ये पदार्थ या कण नासा गुहा के बाहर गुहा की परत को उत्तेजित करते हैं तब हमें छींक आ जाती है, ठीक। अब आगे देखते हैं जंतुओं में उत्सर्जन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हमारी कोशिकाएं कार्य करती हैं तो कुछ अपशिष्ट पदार्थ निर्मुक्त होते हैं, जैसे आपने पढ़ा था कि हम जब पाचन होता है हमारे शरीर में तो कुछ अपशिष्ट चीज़ें बच जाती हैं जो मलद्वार से बाहर हो जाती है। इसी प्रकार से श्वसन में भी कुछ चीज़ें अपशिष्ट पदार्थ बनती हैं, वो भी शरीर के लिए घातक होते हैं, तो इनको शरीर बाहर निकालता है। इन अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है, इस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं तथा इसमें भाग लेने वाले अंग मिलकर उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं, ठीक है। तो उत्सर्जन तंत्र के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, जैसे कि वृक्क मतलब किडनी हो गया, ठीक है, एक जोड़ी किडनी, मूत्रवाहिनी और मूत्राशय तथा मूत्ररंध्र, ये सब उत्सर्जन तंत्र के भाग होते हैं। अब मनुष्य में उत्सर्जन देखते हैं, रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। यह क्रिया रक्त को छानने से होती है। अब रक्त को छानने का काम कौन करता है, रक्त को छानने का काम वृक्क या गुर्दे करते हैं। आप ध्यान रखेंगे, रक्त को छानने का काम वृक्क या शुद्ध करने का काम वृक्क या गुर्दे या किडनी करती हैं, ठीक है, जबकि उसमें ऑक्सीजन मिलाने का काम फेफड़े करते हैं और रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम हृदय करता है। जब रक्त दोनों वृक्कों में जाता है तब उसमें से उपयोगी व हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थ होते हैं। उपयोगी पदार्थ वापस अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा हानिकारक पदार्थ मूत्र के रूप में मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है, ठीक है, और मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है।
ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो है वो आप ध्यान रखेंगे, जो वृक्क की इकाई होती है, किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको नेफ्रॉन कहा जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको बहुत ध्यान से याद करेंगे, वृक्क की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये हुआ मनुष्य मत सर्जन। अब देखिए, एक वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र करता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कितना मूत्र एक सामान्य व्यक्ति 24 घंटे में करता है। ठीक है, 1 से 1.8 लीटर मूत्र में 95% जल, 2.5% यूरिया और 2.5% अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अब ये अपोहन या डायलिसिस क्या है? कभी कभी क्या होता है, किसी खराबी के कारण मनुष्य के किडनी या वृक्क काम करना बंद कर देते हैं, तो शरीर में अपशिष्ट पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि रक्त को छानने का काम नहीं हो पाता है। तो इसके लिए एक मशीन होती है जिसको हम आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उस आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा, कृत्रिम किडनी के द्वारा जब रक्त को छाना जाता है, तो इस विधि को हम अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जब किडनी ख़राब हो जाती है तो रक्त को छानने के लिए एक कृत्रिम किडनी का प्रयोग करते हैं, उसे हम, उस प्रक्रिया को अपोहन या डायलिसिस कहा जाता है। रक्त को कृत्रिम प्रकार, कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त को छाना जाता है, रक्त के छानने की विधि को अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है कुछ अन्य जंतुओं में उत्सर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान रखें। जैसे जलीय जीव जैसे कि मछली है, इसमें अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया के रूप में बाहर निकलता है, हम लोगों में यूरिया के रूप में निकलता है, मछली में अमोनिया के रूप में, इसी वजह से मछलियों में बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। ठीक है, पक्षी, छिपकली, सर्प, इनमें अपशिष्ट पदार्थों को सेमी सॉलिड रूप में निकालते हैं, ना एकदम से ठोस ना एकदम से पतला, जो सफ़ेद रंग का होता है, इसे यूरिक अम्ल कहते हैं। ध्यान रखेंगे, मछली में या जलीय जीवों में अमोनिया, पक्षियों में, छिपकली और सांप में यूरिक अम्ल, और मनुष्य का अपशिष्ट पदार्थ यूरिया होता है, मनुष्य का अपशिष्ट पदार्थ यूरिया होता है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये तीन के तीनों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साथ बने रहें, थैंक यू।